causes of persistent depressive disorder psychological so now we will discuss about the psychological causes ke kaun se aise factors hain psychologically jo ke kisi bhi bachche ke andar जो problem है persistent uh, depressive disorder का वो develop कर सकते हैं इसके अंदर uh, जो सबसे पहली uh, चीज़ हम discuss करेंगे that is the trauma विच कैन बी रिफ्लैक्ट इन फॉर्म ऑफ डेथ ऑफ़ पेरेंट्स तो इन फैक्ट वट वी आर से द चाइल्ड इज लूजिंग समथिंग द चाइल्ड इज लूजिंग दिवर केयर गिवर सो जब बच्चा किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लूज करता है जिसके साथ वो एसोसिएटेड होता है uh, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम डेवलप uh, हो जाता है uh, जिसको हम सैडनेस कहते हैं ठीक है सैडनेस का जो इमोशंस उसके अंदर जनरेट होते हैं उसकी वजह से बहुत हद तक पॉसिबल है कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन uh, जो है वो उसको हो जाए और वो प्रिवेल करे फॉर द टाइम पीरियड देन हम ये भी बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको एब्यूज़ और निगलैक्ट जो है वो इन्वामेंट से मिला हो चूँकि उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता चूँकि उन्हें पॉजिटिव री नहीं मिलती इस वजह से आ, उनके अंदर बहुत हद तक चांसेस हैं कि पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है आ, वो उनके अंदर डेवलप हो जाए ठीक है तो एब्यूज़ एंड निगलेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ी जो है रीज़न बनती है इन बच्चों के अंदर देन अटैचमेंट थेरी की हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनकी अपने पेरेंट्स के साथ सिक्योर अटैचमेंट होती है और तो वहाँ पर जो डिप्रेशन है उसके चांसेस कम है लेकिन ऐसे पेरेंट्स जिनके साथ बच्चे की इनसिक्योर अटैचमेंट है वहाँ डिप्रेशन के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं क्युं? क्यों क्योंकि जिस वक्त बच्चे को इमोशनल नीड होती है पेरेंट की अगर उस वक्त पेरेंट अवेलेबल ना हो तो डेफिनेटली जो उसकी अटैचमेंट अपने पेरेंट के साथ बनेगी वो इनसिक्योर होगी तो रिसर्चर्स ये एक्सप्लेन करती हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी अपने पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट जो है वो इनसिक्योर होती है दे रिफ्लेक्ट मोर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैन वी विल टॉक अबाउट द कागनेटिव प्रॉब्लम्स कागनेटिव प्रॉब्लम्स को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन बच्चों के अंदर ये तीन फिननाज जो हैं वो ज़्यादा देखने में आए हैं द नंबर वन इज़ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बाइस इन्फॉर्मेसन प्रोसेस वाइज क्या चीज़ है कि जो बच्चा है वो नेगेटिव सोचता है नेगेटिव थिंकिंग है वो हर चीज़ को जो है वो नेगेटिवली परसीव uh, करता है तो इसको हम कहते हैं कि द चाइल्ड हैज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस वाइज देन नेगेटि नेगेटिव कॉग्निटिव ट्राइड की बात की जाती है कि जो बच्चा है उसकी अपने सेल्फ के बारे में वर्ल्ड के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में जो प्रस्पेक्टिव होता है uh, जो थिंकिंग होती है दैट इज़ नेगेटिव दैट द चाइल्ड माइट बी होल प्लेसलेस फ्रॉम हिम और हर सेल्फ

वो ओवर द ईयर डेवलप करता है बच्चा अब ओवर द ईयर डेवलप कर रहा है जैसे उसके साथ अगर ज़िंदगी में एक चीज़ जो है वो एक दफ़ा गलत हुई उसके उसका स्कीमा डेवलप हो गया कि आई एम नॉट गुड और वो स्कीमा जो है वो बार बार उसे रिपीट करता गया यहाँ तक कि वो स्टेबल हो गया अब जब स्टेबल स्कीमा हो गया तो फिर उसको रिफ्यूट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे बच्चे जो हैं इनका जो कागनेटिव स्कीमज़ होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं तो इस किस्म की जो कागनेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो इनके अंदर देखी जाती है जिनकी वजह से चांसेस होते हैं कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो इनके अंदर डेवलप हो जाए थैंक यू